20 मिनट्स फॉर स्लालम। तो हम थोड़ी जानकारी लेते हैं हमारे रेसिंग ट्रैक के बारे में। द स्टैंडर्ड ICF कोर्स फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, नाइन लेन्स एंड द फोर कॉन्टिनेंटल ओलंपिक क्वालिफिकेशन एंड ओलंपिक गेम्स, एट लेन्स मस्ट प्रोवाइड फेयर एंड इक्वल रेसिंग कंडीशन फॉर ऑल क्रूज रेसिंग इन सेपरेट पैरेलल लेन्स ओवर द डिस्टेंस। तो कहने का जो हमारा ICF के मुताबिक जो कोर्स बनता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए या कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वो नाइन लेन्स का रहता है एंड कॉन्टिनेंटल जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन है ओलंपिक गेम्स के लिए उसमें एट लेन्स का रहता है। तो बाकी जो कोर्सेज है उसको भी हम नाइन लेन्स में, एट लेन्स में सेपरेटली पैरेलल डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली उसको कंडक्ट करवा सकते हैं। फॉर ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक क्वालिफिकेशन, वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड कप्स, द स्टैंडर्ड कोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद टेक्निकल इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट एज डिफाइंड इन द ICF टेक्निकल मैनुअल फॉर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप। तो जो ओलंपिक गेम्स के लिए, ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड कप्स के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। बट टेक्निकली जो इंस्टॉलेशन है उसमें इक्विपमेंट जिसका स्टार्टिंग स्टार्ट रहेगा वो ऑटोमेटिक स्टार्ट रहेगा, ऑटोमेटिक फिनिश फोटो फिनिश रहेगा, तो उसमें जो टेक्निक हमारा ICF टेक्निकल मैनुअल में उसका सारा डाटा जो उसका वेरवा है वो दे रखा है बिल्कुल एलेबोरेशन के साथ। इन ऑर्डर टू क्लासिफाइड एज चैंपियनशिप कोर्स, फुल डिटेल ऑफ द कोर्स कंसर्न मस्ट बी सबमिटेड इन राइटिंग टू द टेक्निकल चेयर बाय द एप्लीकेंट्स। तो हमारा जो चैंपियनशिप के लिए कोर्स बनता है उसका फुल डिटेल हमको टेक्निकल चेयर्स को देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है कि हमें क्या क्या चीज चाहिए, कैसे कैसे हम उस कोर्स को कंडक्ट करेंगे बनाएंगे। द कोर्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ फेडरेशन कंसर्न्ड एंड अप्रूव्ड बाय एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड बाय द CSPC। CSPC मींस कैनो स्प्रिंट कमेटी जो है उनके द्वारा जो एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं वो उस कोर्स को इंस्पेक्ट करते हैं, उसमें अगर कुछ कमी पेशी होती है तो वो उसके बारे में जो रिपोर्ट देते हैं वो चेयर को देंगे, फेडरेशन को देंगे। द ICF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे ले डाउन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक क्वालिफिकेशन, रीजनल गेम्स और वर्ल्ड कप्स। जो हमारा ICF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मे ले डाउन स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर, वो अपना अलग से रिक्वायरमेंट दे सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए, ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए, और रीजनल गेम्स और वर्ल्ड कप्स के लिए। द ICF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द CSPC, जहाँ ICF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कैनो स्प्रिंट जो कमेटी रहेगी, मे ग्रांट एक्सेप्शंस वेयर नेसेसरी फॉर कंपटीशन कोर्स इज मल्टी स्पोर्ट कंपटीशंस और अदर। तो उनके द्वारा ही वो ग्रांटेशन देंगे कि वहां पे कुछ अलग दूसरा मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशंस करवाए जा सकते हैं, दूसरी चैंपियनशिप करवाई जा सकती है, करवानी है तो उनकी ग्रांटेड परमिशन के बाद ही हम वहां पे वो चीज कंडक्ट करवा सकते हैं, दूसरे कंपटीशन जो है वो कंडक्ट जो है वो करवा सकते हैं। आगे चलते हैं हम। फील्ड ऑफ प्ले रेस कोर्स, रेस कोर्स के बारे में 1000 मीटर, 500 मीटर एंड 200 मीटर। जो हमारा रेस कोर्स हम बात कर रहे हैं रेस कोर्स में 1000 मीटर, 500 मीटर एंड 200 मीटर। सर डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, ये म्यूट कर दीजिए सर। डॉक्टर परिषद गुजरात रेस कोर्स हमारा, हम 1000 मीटर, 500 मीटर और 200 मीटर के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है कोर्स का, जो हमारा रिगट्टा का ओवरव्यू है कोर्स का, कैसे हम कहाँ कहाँ जो नंबरिंग दे रखा है इसको मैं शेयर कर दूंगा PPT बाद में, आप उसको ध्यान से उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हमारे पास समय कम है और नॉलेज थोड़ा हमारे पास ब्रोड है तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, फिनिशिंग टावर, नंबर 7, लेव एरिना रेस्टोरेंट, तो ये सारे नंबर्स दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंगली एक लेआउट दे रखा है कहाँ कहाँ हमारा तीसरा नंबर कहाँ कहाँ हमारा कौन सा जो वेन्यू है वो रहेगा, उस वेन्यू के अंदर कौन कौन सा डेस्क वहाँ पे कौन कौन सा कंट्रोल रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली एक फ्लो चार्ट, एक हमारा ओवरव्यू रहता है हर कॉम्पिटिशन में के कोर्स कैसे कैसे है, कहाँ पे कौन सा चीज जो हमारे डेस्क है वो हमको काउंटर मिलेगा। तो आगे चलेंगे, प्रेपरेशन ऑफ द कोर्स, मेन क्या है प्रेपरेशन ऑफ द कोर्स, इसमें क्या है, At least 5 hours before the start of the racing course must be measured at marked by buoys and or flags.
पांच घंटे पहले रेस स्टार्ट होने से 5 घंटे पहले जो हमारा रेस कोर्स है वो बॉया के साथ फ्लैग्स के साथ प्रिपेयर हो जाना चाहिए। द लेंथ ऑफ द कोर्स एंड द ऑल इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड बाय द इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड सर्वेयर एंड द एक्यूरेट सर्टिफाइड प्लान मस्ट बी हेल्ड बाय द HOC होस्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। जो हमारी होस्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रहेगी वो सर्टिफाइड करेगी जब हमारा कोर्स जो है वो एक्यूरेट है और उसका जो डिस्टेंस होगा वो एक्यूरेटली ICF के रूल्स के मुताबिक कंप्लीट किया जाएगा। दिस प्लान शुड बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय चीफ ऑफिशियल एट एनी टाइम। तो ये जो कोर्स है वो चीफ ऑफिशियल के द्वारा किसी भी समय रेस के दौरान अपना रेसिस के दौरान या किसी भी समय उनको चेक कर सकते हैं। बोथ द स्टार्ट एंड फिनिश लाइंस मस्ट बी मार्क्ड विद रेड फ्लैग्स एंड रेड बॉयस एट द पॉइंट्स वेयर लाइंस इंटरसेक्ट द आउटर लिमिट्स ऑफ द कोर्स। तो जो हमारे बाहर रहते हैं कोर्स के बाहर जो लाइंस रहती हैं उसमें क्या है वो रेड बॉय के साथ और रेड फ्लैग के साथ वो मेंशन किया जाएगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दिस इज द रेड बॉयस एंड आउटर द कोर्स ऑफ रेड फ्लैग्स। तो रेड फ्लैग्स स्टार्टिंग में भी बाहर लगे रहेंगे, जब फिनिश होगा वहां पे भी बाहर की तरफ रेड फ्लैग्स रहेंगे लगे रहेंगे ताकि जो प्लेयर है प्लेयर को पता चल सके कि मेरा फिनिश लाइन कहाँ पे है। उसके बाद म्यूट योरसेल्फ प्लीज। द स्टार्ट एंड द फिनिश लाइंस मस्ट बी एट राइट एंगल्स टू द कोर्स। जो स्टार्ट और फिनिश होगा वो 90 डिग्री का कोण और राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री कोण के ऊपर रहना चाहिए। स्टार्टिंग और फिनिश बिल्कुल एक्यूरेट एंगल्स उनके 90 डिग्री एंगल्स हैं उनके ऊपर हम रखते हैं उसको 0 डिग्री के ऊपर मेजर करके, तो वो राइट एंगल्स के ऊपर उनका जो स्टार्ट और लाइंस और फिनिश लाइन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। नाउ यूजेस ऑफ द रोप्स ऑल फ्लोटिंग रोप्स इज एनी रोप दैट फ्लोट्स व्हेन इन वाटर इट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए पीस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। हम जो रस्सी का इस्तेमाल करते हैं जो भी पानी के ऊपर फ्लोट कर सके हम रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी में ऊपर तैर सकती है उस रस्सी को हम जो सेफ हमारे इक्विपमेंट की सेफ्टी करे हमारे इक्विपमेंट को डैमेज ना करे उस तरह का रस्सी का हम इस्तेमाल करते हैं। मेजोरिटी ऑफ रोप्स आर मेड विद पोलिस्टर्स और नायलन मटेरियल्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। ज्यादातर जो रस्सियां हैं वो पोलिस्टर्स के साथ या नायलन मटेरियल के साथ बना रहता है उसे जहां उसका कॉम्बिनेशन के साथ बना हुआ रहता है। फ्लोटिंग रोप्स आर मेड विद आइदर पोलिथलाइन और प्रोपलाइन फाइबर्स बिकॉज ऑफ देयर फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज आर लो वेट। तो जो पोलिथलाइन या प्रोपलाइन फाइबर्स के साथ बना रहता है उसका जो फाइबर के साथ बना रहता है क्योंकि वो फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज उसका लो वेट में रहता है उसका वेट जो है वो लो रहता है पानी में। इट इज गुड बोयंसी इसका बोयंसी मतलब इसका जो पानी में तैरने की क्षमता है वो बोयंसी जो है वो अच्छी रहती है एंड डज नॉट अब्सॉर्ब वाटर। सम नायलन रोप विल बी अब्सॉर्ब ऑफ वेट इन द वाटर एंड पोलिएस्टर रोप विल अब्सॉर्ब अराउंड द हाफ ऑफ अमाउंट। तो जहां पे नायलन का रोप जितना पानी सोखता है उससे कम पानी जो है वो पोलिएस्टर रोप सोखता है तो हमको पोलिएस्टर रोप जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। If you plan on purchasing a rope for application, कि हमको लेन डालने के लिए रस्सी चाहिए तो हमें क्या चाहिए You must be sure that select a high strength line option with higher break load. Regular floating rope will not be suitable. जो regular floating rope है वो suitable नहीं है जिसके अंदर high strength रहती है propellant option के साथ propellant के साथ बना रहता है उसी option को हम select करेंगे जो हमारा higher load भी संभाल सके वेट क्योंकि हमने उसको एंकरिंग करना है पानी में एंकरिंग करके उसको डालना है तो उसके वेट डालेंगे तो वो नीचे की तरफ खींचेगा वो लोड भी ले सके ब्रेक डाउन ना हो जाए उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए उस तरह का रस्सी हमको परचेज करना चाहिए। लेआउट क्या है द स्टैंडर्ड कोर्स कंसिस्ट ऑफ अप टू 9 लेन्स। जो स्टैंडर्ड कोर्स है वो 9 लेन्स का है। ईच लेन मस्ट बी एट लीस्ट 9 mm वाइड स्ट्रेट एंड विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। जो हमारा कोर्स है वो 9 लेन्स का होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए और विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स के लिए इसमें कोई रुकावट जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो 8 बजे होना खुल गया 8 बजे का इन द एंटायर कोर्स मस्ट बी एटलीस्ट 2 मीटर्स। जो उसका डेप्थ रहेगा पानी का वो कम से कम 2 मीटर होना चाहिए तभी वहां पे हम कोर्स जो है वो बना सकते हैं। द लेन्स मस्ट बी मार्क्ड विद बॉयस और फ्लोट्स। जो लेंस है वो बॉया के साथ मार्क किया जाएगा जो
आपने पिक्चर में देख रहे हो बॉया हमारा कैसा है, तो बॉया कैसा रहेगा उसमें दिया हुआ है द बॉया द लास्ट बॉया प्लीज म्यूट योर सेल्फ बीच में जे अपने आपको म्यूट कीजिए उसके साथ हम करेंगे श्रीमती मैडम प्लीज अपने आपको बिटवीन द बॉया कैन नॉट बी मोर देन 25 मीटर तो जो डिस्टेंस रहेगा बॉया टू बॉया वो 25 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए द लास्ट बॉया मस्ट बी मार्क्ड फ्रॉम द नंबर 1, 2, 9 and 0 तो जो बॉया रहेंगे हमारे जो मार्क करते हैं नंबर 1, 2, 9, 0, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो द नंबरिंग गोज फ्रॉम द लेफ्ट साइड लेफ्ट टू राइट जब भी हम नंबरिंग करेंगे कोर्स में लास्ट जो बॉया लाइन नंबर करेंगे वो लेफ्ट टू राइट साइड पे करेंगे फिनिशिंग पॉइंट पे प्लेस्ड ऑन द बॉया इन सच ए वे एज टू बी क्लियरली विजिबल फ्रॉम द फिनिश टावर तो फिनिश टावर को जो क्लियरली नजर आए कौन सा खिलाड़ी कौन सी लाइन में फिनिश कर रहा है इसलिए लेफ्ट टू राइट हम उसको नंबरिंग किस तरह से करेंगे व्हेन देयर इज टेलीविजन कवरेज ऑफ द कंपटीशन द लेन नंबरिंग मे बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टेलीविजन कवरेज जब कवर करेगा तो जो लेन नंबर है वो उल्टा नजर आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सो दैट द लिस्ट ऑफ एथलीट्स एंड देयर लेन्स शोन इन द टेलीविजन स्क्रीन मैच द अपीयरेंस ऑफ द रेसिस टू बी टेलीवाइज जब वो टेलीवाइज होता है तो जो लिस्ट आता है टेलीविजन के ऊपर वो एकदम सीरियल वाइज नजर आएगा क्योंकि उसका जो नंबरिंग है हमने लेफ्ट टू राइट किया होता है मगर हम जब टेलीविजन के थ्रू दिखाते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट नजर आता है द नंबर्ड बॉयज व्हाइट क्यूब्स विद ब्लैक नंबर्स ऑफ देम जो हम बॉया लगाते हैं लाइन नंबर में वो व्हाइट कलर का होना चाहिए आप पिक्चर में देख रहे हो व्हाइट कलर का होना चाहिए उसमें ब्लैक नंबर के साथ उसको मेंशन किया जाता है शुड बी फिक्स्ड नो क्लोजर देन 1 मीटर नोट फर्दर देन 2 मीटर बिहाइंड द फिनिश लाइन तो जो फिनिश लाइन रहता है हमारा फिनिश लाइन से कहता है कैसे होना चाहिए फिक्स नोट क्लोजर देन 1 मीटर उसे फिनिश क्लोजर देन 1 मीटर थोड़ा उसको दूर रखना है नोट फर्दर देन 2 मीटर तो उसके बीच में उसको रखना है ना तो 1 मीटर क्लोज ना 2 मीटर ज्यादा उसके बीच में हम उसको बॉया एंकरिंग करेंगे द नंबर बॉयज मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू द एथलीट्स एंड टू बी ऑन द कोरस्पोंडिंग एथलीट्स राइट हैंड साइड एज दे पास इट तो जो नंबर है वो खिलाड़ी को भी नजर आना चाहिए उसमें खिलाड़ी हमारा अच्छे से नजर आना चाहिए तो उसका कोरस्पोंडेंस एथलीट है उसके राइट हैंड साइड पे वो पास जब करता है तो उसका नंबर जो है वो अलग से नजर आना चाहिए द कोर्स सेटिंग्स कैन बी वेरिएबल विद द अप्रूवल ऑफ द कंपटीशन कमेटी जो कोर्स का सेटिंग है कैन बी वेरिएबल मतलब इसको थोड़ा बहुत हम वेरी कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है अप्रूवल ऑफ द कंपटीशन कमेटी हीट्स एंड द फाइनल मस्ट बी रन ऑन द सेम स्ट्रेच ऑफ द वाटर जो हीट्स जहां जिस स्ट्रेच के अंदर जिस कोर्स के अंदर हीट्स होंगे उसी कोर्स के अंदर फाइनल और सेमीफाइनल्स जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे जो कोर्सेज हैं लॉन्गर देन 1000 मीटर जो 1000 मीटर से ज्यादा लंबे कोर्सेज हैं द स्टार्ट पोजिशन नंबरिंग विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ ऑफिशियल जो चीफ ऑफिशियल होगा वो स्टार्ट पोजिशन जो नंबरिंग है उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा इट विल बी अनाउंस्ड एट द टीम लीडर मीटिंग तो ये टीम लीडर मीटिंग के अंदर अनाउंस किया जाएगा कहां से किस नंबर से कहां से स्टार्ट किया जाएगा वो आपको टीम लीडर मीटिंग में जो वहां पे चीफ ऑफिशियल होंगे कंपटीशन डायरेक्टर होंगे वो आपको वहां पे बताएंगे फॉर रेसेस ऑफ मोर देन 1000 मीटर टर्निंग पॉइंट्स आर परमिटेड द रेडियस ऑफ ईच टर्न मस्ट बी एट लीस्ट 31.5 मीटर 180 डिग्री टर्न इज द विड्थ ऑफ द 7 लेन्स तो अभी ये कोर्स है तो कोर्स के दौरान हम इसका रेडियस निकालेंगे रेडियस कैसे निकालते हैं हम लेंस लेते हैं तो लेंस का जब हम हाफ करते हैं 9 लेंस का हाफ करेंगे तो 9 मीटर करके हाफ करेंगे तो 31.5 उसका हाफ निकल के आएगा उस वहां उस पॉइंट से हम जब हम रेडियस लेके 180 डिग्री टर्न करेंगे तो पूरा का पूरा जो एक कर्व है जो आपको जो कर्व नजर आ रहा है फ्लैक्स का वो फ्लैक्स का कर्व ये फ्लैक बन जाएगा जहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम जब फर्स्ट लाइन से नंबर 7 से लेकर 7 तक करेंगे 9 मीटर का विड्थ है हर लाइन का उसका जब हम रेडियस निकालेंगे वो 31.5 मीटर निकलेगा उसके पॉइंट से हम इसको लेके जो टर्न बनाएंगे तो ये जो कर्व बनाएंगे आर्च बनाएंगे वो हमारा 180 डिग्री मूव कर जाएगा द टर्निंग पॉइंट्स आर टू बी मार्क्ड बाय द एटलीस्ट 6 फ्लैग्स जो टर्निंग पॉइंट है वो 6 फ्लैग्स से मार्क किया जाना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 and 6 तो जो टर्निंग पॉइंट है वो 6 फ्लैग्स के साथ आपका मार्क किया होना चाहिए द फ्लैग्स मस्ट बी डायगोनली डिवाइडेड विद 1/2
इन रेड एंड अदर हाफ इज येलो। अभी आप देख रहे हो इस पिक्चर में एक आधा हिस्सा येलो है आधा हिस्सा रेड है फ्लैग का, तो जो फ्लैग होना चाहिए वो आधा येलो और आधा रेड होना चाहिए। द रेड फ्लैग ऑन द फिनिश लाइन शुड बी प्लेस्ड एज मच द आउटसाइड ऑफ द पॉसिबल इन ऑर्डर टू गेट द वाइडेस्ट पॉसिबल फिनिश लाइन। तो रेड फ्लैग जो है वो बाहर की तरफ लगे रहेंगे फिनिश लाइन के। ऑल स्टार्टिंग पटून्स आर बी रिमूव्ड इफ नेसेसरी। अगर स्टार्टिंग पटून हटाने की जरूरत पड़े तो उसको हम हटा सकते हैं अगर हमको जरूरत पड़ेगा। तो दिस इज द ओवरव्यू, आप इसको देखेंगे पीपीटी में मैं शेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल कहाँ से हम इसका रेडियस निकालते हैं। तो आगे हमारा ये कैलकुलेशन लिखा हुआ है वन लैब कितने का रहेगा और फोर्थ लैब कितने का रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम इसको मैं शेयर करूंगा। इसमें बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है मिडिल ऑफ द पॉइंट स्टार्टिंग लाइन आफ्टर द फिनिशिंग लाइन 59.53 मीटर, स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ द लैब 250.250 मीटर, रेडियस ऑफ द टर्न 31.550 मीटर, फुल शॉर्ट राउंड 697.88 मीटर। तो ये सारा उसका दिया हुआ है। आपका टर्निंग फ्लैग नीचे है T1 का मतलब TF1 टर्निंग फ्लैग एट द केबल, टर्निंग फ्लैग एट 2, टर्निंग फ्लैग 4, टर्निंग फ्लैग 5, टर्निंग फ्लैग 7, 8। तो इस तरीके से आपका टर्निंग फ्लैग जो है वो वहां पे लगा रहेगा। दिस इज द ओवरव्यू। कोर्स अंपायर की बात करेंगे, कोर्स अंपायरिंग जो रहेगा कोर्स अंपायर ऑफ फर्स्ट फ्लैग फर्स्ट टर्न 250 मीटर, कोर्स अंपायर सेकंड फ्लैग टर्न एट द फिनिशिंग लाइन, कोर्स अंपायर 3 to 6 जो 3 से 6 कोर्स अंपायर नंबर 4, अंपायर नंबर 5, अंपायर नंबर 6 जो रहेंगे वो आउटसाइड पे खड़े रहेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको इनसाइड बुलाया जाएगा। आगे प्रोसेस लिखा हुआ है कोर्स अंपायर का, कोर्स अंपायर फर्स्ट विल फॉलो द लीडिंग बोर्ड्स ऑन द अदर साइड। तो जो फॉलो करते हुए जाएंगे दूसरी साइड पे जो कोर्स अंपायर फर्स्ट रहेगा वो रेस को फॉलो करते हुए जाएगा, जो बोर्ड लीड कर रहा है उसको फॉलो करते हुए जाएगा, देन स्टॉप टू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट टर्न, जो फर्स्ट टर्न रहेगा उस पे वो वहां पे स्टॉप कर जाएंगे। द रेस्क्यू बोट एट द स्टार्टिंग लाइन विल बी मूव नियर द फिनिशिंग लाइन, रेस्क्यू बोट फिनिशिंग लाइन के आसपास रहेगी वहीं मूव करती रहेगी। कोर्स अंपायर टू विल फॉलो द लीडिंग बोर्ड्स एट द स्टॉप द सेंटर ऑफ द सेकंड टर्न, जो सेकंड कोर्स अंपायर रहेंगे वो हमारे लीडिंग बोर्ड को जो सेकंड लीडिंग बोर्ड है उसको लीड करते हुए जाएंगे और सेकंड टर्न पे वहां पे स्टॉप कर जाएंगे। व्हेन द लास्ट बोर्ड हैज लेफ्ट वन टर्न फर्स्ट टर्न, जब लास्ट बोर्ड जो है वो फर्स्ट टर्न लेगा, कोर्स अंपायर वन विल मूव टू सेंटर ऑफ द थर्ड टर्न, तो कोर्स अंपायर जो है वो सेंटर ऑफ द थर्ड टर्न पे मूव कर जाएंगे। अंपायर फाइव अंपायर सिक्स रेस्क्यू बोट ऑफ फर्स्ट टर्न विल मूव टू देयर फाइनल पोजीशंस, ऑल मोटर बोट एक्टिविटीज विल स्टॉप आफ्टर दैट। तो उसके बाद जब कोई भी मोटर बोट एक्टिविटी नहीं होगी वहां पे स्टॉप कर जाएंगे, तो जो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो अपना रेस को लैप्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। ए लाउड बेल मस्ट बी यूज टू इन्फॉर्म ए लास्ट लैप, एक जो जब खिलाड़ी का लास्ट लैप रहेगा तो वहां पे एक लाउडली बेल बजाया जाएगा कि दिस इज द लास्ट लैप ऑफ द एथलीट, तो उस खिलाड़ी के लिए वो बेल जो वहां पे रैंक किया जाएगा। तो दिस इज द हमारा आज का जो था रेसिंग कोर्स का प्रेपरेशन। थैंक यू सो मच, इसका कोई क्वेश्चन है तो आप हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद में